तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 सर्कल यानी कि वृत्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना दोनों मीडियम में एक साथ, ठीक है। इससे पहले लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर, मिड टर्म पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, एनुअल प्रैक्टिस पेपर, सभी असेसमेंट ऑल चैप्टर के अपलोड हैं दोनों मीडियम में। कमेंट में लिंक मिलेगी, केवल मैथ की प्लेलिस्ट की देख सकते हो और सेशन 2023-24 का भी मिल जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ, कमेंट को चेक कर लेना, लिंक ओपन कर लेना, ओनली मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। उसमें से ही पेपर आपका होगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ध्यान से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तीसरा भी एमसीक्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, पी क्यू इज ए कॉर्ड एंड पी टी इज टेंजेंट एट पी विच मेक्स एन एंगल ऑफ 50° विद पी क्यू। एंगल पी ओ क्यू इज पी ओ क्यू, ये हमको पता करना है, ठीक है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है और पी टी पी पर स्पर्श रेखा है जो पी क्यू के साथ 50° का कोण बनाती है। एंगल पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल पर देखो, ध्यान से फोकस करो, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये टोटल 90 का होगा, ठीक है। जब आपको ऊपर का एंगल, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला पता है 50 है, तो नीचे वाला 90 में से 50 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, मतलब कि आपको इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये 40 मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये त्रिज्या है ट्रायंगल में, पी ओ इक्वल होगा ओ क्यू के, जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल पर फोकस करो, ये 40 ये 40, तो टोटल तीनों के होता है 180, 40 80 हो चुका है, तो 180 में से घटा दो, 80 कितना मिलेगा आपको, 100, ठीक है, पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब सॉल्यूशन देख लो एक बार, लिख लेना कैसे आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिख लो, ओ पी लंब है पी पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगल ओ पी टी 90 हो जाएगा, जैसे मैंने समझा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। टोटल सॉल्व करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, दिए गए वृत्त में स्पर्श रेखा पी क्यू के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। इन द गिवन सर्कल नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू इज, इसके समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। तो इसके समांतर स्पर्श रेखा एक ही होगी, यहाँ से जाएगी जो स्पर्श करेगी, यानी कि टच करेगी इस पर, ठीक है, वृत्त पर, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल एक, ओनली वन, ठीक है। अगर स्पर्श रेखा की बात नहीं करता तो समांतर रेखाएं तो अनेक हो सकती हैं, ध्यान रखना, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। द टेंजेंट्स ड्रोन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, तो मतलब मान लो ये सर्कल है, तो कह रहा है कि एक व्यास है, मान लो ये व्यास हो गया, ठीक है, व्यास के सिरों से एक सिरा ऊपर है, इस प्रकार स्पर्श रेखा जाएगी, और दूसरा नीचे है, इस प्रकार से स्पर्श रेखा जाएगी। तो कह रहा है जो स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या हैं, ये आपस में क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर लिखोगे बी ऑप्शन, पैरेलल यानी कि समांतर, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये सेकेंड और ये थर्ड, ऐसे डायग्राम भी बना लो ताकि आपके समझ में आए अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम एन एक्सटेरियर पॉइंट एम टेंजेंट्स एम ए एंड एम बी आर ड्रोन टू द सर्कल विद सेंटर ओ विच आर इनक्लिनड
टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री फाइंड एंगल ए ओ बी। एक वाह्य बिंदु M से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं MA और MB हैं जो परस्पर 55 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 4, बाहर एक बिंदु M हो गया, स्पर्श रेखा MA, MB, सेंटर O हो गया, ये इससे टच है, ये इससे टच है, ठीक है। तो हमें पता है कि इंग्लिश में लिखा वी नो दैट ये 55 दिया है, ठीक है ना, जहाँ झुके हैं ये 55 का कोण बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए एम बी ये दोनों मिलाकर 180 के होगा। तो एंगल ए ओ बी सेम एंगल ए एम बी 55 है, रख दिया बराबर 180 के, तो ए ओ बी निकल आएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, 125 मिल जाएगा। दूसरे तरीके से ये एक चतुर्भुज बनेगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। और ध्यान से देखो, ये स्पर्श रेखा है, ये लंब है, तो ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, इसी प्रकार ये लंब है, तो 55 90 90 और इसको मान लो x है, टोटल चारों को ऐड करोगे 55 90 90 प्लस x बराबर 360 के होगा। और जब सोल्व करके माइनस करोगे तब भी आपको 125 मिलेगा। दूसरे तरीके से ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 और 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पर दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र ओ है, एक ये हो गया ओ से खींचा हुआ, दूसरा ये हो गया, ठीक है। छोटे वाले की त्रिज्या 3 है, बड़े वाले की 5 है, तो 5 ये भी होगी, और इसको टच करती हुई जो स्पर्श रेखा जा रही है ये बड़े के लिए क्या है, जीवा है, ध्यान रखना, ठीक है। और छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। तो ध्यान से देखो, हमको ओ आर निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ट्राइंगल देखो, इस साइड का लो या फिर इस साइड का, दो ट्राइंगल हो गए, तो इसका नाम है ओ पी आर। ओ पी आर में ध्यान से देखो, हिंदी में लिखोगे समकोण त्रिभुज ओ पी आर में, इंग्लिश में इन राइट ट्राइंगल ओ पी आर। ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपका ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। तो ओ आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार यानी पी आर के स्क्वायर के, हिंदी में लिख दो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ओ आर का स्क्वायर कितना है आपका, 5 का स्क्वायर करो, लंब आपका कितना 3, 3 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर आधार पर लिख दो क्योंकि पी आर है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी आर स्क्वायर के, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, माइनस करने पर 16 मिलेगा, पी आर बराबर 16, 16 किसका वर्गमूल है, 4 × 4, 4 जोड़े में से निकलेगा, पी आर आ गया 4, पी आर 4 है। तो ध्यान से देखो, क्यू आर पर ये रेखा क्या है, ओ पी लंब है, तो दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करेगा, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 2 × 4, इसका डबल हो जाएगा, या फिर 4 + 4 कर सकते हो, तब भी आपको कितना मिलेगा, 8, तो 8 सेंटीमीटर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, आंसर नंबर 5 हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रोन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची जाती हैं। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र से दूरी 5 है, ये त्रिज्या हो जाएगी, और 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, वहाँ से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची गई हैं, ठीक है। इस प्रकार टोटल जो आकृति बन गई पी क्यू ओ आर, ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, हमें टोटल इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिखो त्रिभुज पी ओ क्यू में, इंग्लिश में इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब ध्यान से देखो, पी ओ 13 है, ओ क्यू 4 है, ये आपका कर्ण है,
ये आपका लंब है, पी क्यू आधार है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे डायरेक्ट आधार पहले निकाल लेंगे, क्योंकि अगर पी क्यू निकाल लोगे तो पी आर इसके इक्वल होगा, ये स्पर्श रेखा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आधार के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो पाइथागोरस थ्योरम से, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। आधार पर पी क्यू है, पी क्यू बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका पी ओ है, पी ओ का स्क्वायर ध्यान से देखो, पी ओ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर लिख दिया गया, इसकी वैल्यू रखो, ये 13 है, ये 5 है, 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 169, इसका 25, माइनस करो 144, ये किसका वर्गमूल है 12 का, 12 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये साइड आ गई 12, ये भी 12 होगी, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, वैसे प्रपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा पर ये प्रपेंडिकुलर है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में ये कॉमन जो है 13 दोनों में है, ये 12 है तो ये भी 12 है, तो दोनों त्रिभुज एक हिसाब से कॉन्ग्रेंट भी हैं, ठीक है, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, दो से गुणा कर दो, पूरे का मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो ध्यान से, हमें टोटल पी क्यू ओ आर निकालना है, तो हिंदी में लिखो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर, इंग्लिश में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर लिख लेना पी क्यू ओ आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल सेम है, ये चीज़ ध्यान में रखना, इनकी माप सेम है, तो लिखेंगे दो गुणे त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल कोई सा भी निकाल लो, दोनों एक ही जैसे हैं, सेम आएगा, ठीक है, और दो से गुणा कर देना। इंग्लिश में लिखो 2 into एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुणे ऊँचाई B into H, B आधार है, H ऊंचाई है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें ये आपका कर्ण था, ये लंब हो गया, ये आपका आधार है, तो 1/2 B पर 12 आएगा, ऊंचाई H 5 आएगी, दो से दो कट हो जाएगा, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे, ये लिखने के बाद में दो बार त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना था, एक बार पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, दूसरी बार पी आर ओ का क्षेत्रफल, और दोनों बार 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई फॉर्मूला अप्लाई करते, सेम यही फिर से आता है। और अगर आप समझ चुके हो कि सब कुछ सेम है, ये सर्वांगसम है, तो दो से डायरेक्ट गुणा कर दो, सेम आ जाएगा वही आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 6 कम्प्लीट है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन 7, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रित वृत्तों में छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श बिंदु पर विभाजित होती है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच्स द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, दो सर्कल हैं, अब इसमें छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है ए बी, और बड़े वाले के लिए जीवा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश में, क्योंकि मैंने अलग अलग लिखा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हिंदी में लिखोगे, दिया है एक ही केंद्र ओ वाले दो वृत्त और जीवा ए बी, ठीक है, ओ केंद्र वाला दो वृत्त है, जीवा ए बी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, रचना कर लो एक, ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिला दो, ठीक है। प्रमाण, ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ए बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ए बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, इसलिए ओ पी लंब है, किस पर, ए बी पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा गया। आगे लिखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः ओ पी ए बी को समद्विभाजित करता है, इसलिए जब समद्विभाजित करेगा तो ये क्या होगा, दो बराबर भागों में इनको डिवाइड करेगा, ए पी बराबर पी बी निकलेगा, और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। हिंदी में हो गया आंसर, डायग्राम सेम बना लेना, इंग्लिश में देख लो, ऐसे लिखोगे गिवेन
टू सर्कल्स विद सेम सेंटर ओ एंड ए बी इज कॉल्ड टू प्रूव ए पी इक्वल टू बी पी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ पी प्रूफ ओ पी इज रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड देयरफॉर ओ पी बाइसेक्ट ए बी हेंस ए पी इक्वल टू बी पी प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखना आपको, क्लियर है। तो हिंदी में हो जाएगा और ये इंग्लिश में हो जाएगा। फिर से स्टार्टिंग से आंसर देख लो, ये आंसर फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये लास्ट का सेवन हिंदी में और ये इंग्लिश में। इसी के साथ ये असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।